नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ अहम खबरें जो वर्तमान समय की सुर्खियां। बृहस्पतिवार को विधानसभा सदन में भारी हंगामे के दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल के निलंबन की सूचना जैसे ही मिली, कुर्ला के माजी आमदार मिलिंद अन्ना कामले ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरकर कुर्ला साइन मार्ग पर अपने कार्यालय के बाहर चक्का जाम कर दिया और प्रदर्शन किया। काफ़ी देर तक सरकार विरोधी नारे लगाते रहे। इस दौरान आक्रोशित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने सड़क पर टायर जलाकर व जाम लगाकर जमकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की सूचना मिलने पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा। प्रदर्शनकारियों को मार्ग से हटाकर व समझा बुझाकर प्रदर्शन समाप्त कराया। जयंत पाटिल साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जयंत पाटिल साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जयंत पाटिल साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जयंत पाटिल साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जयंत पाटिल साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष आमदार माजी आमदार जयंत पाटिल साहब, उनको आज निर्लज्जपना कलश जितने बात के ऊपर उनको सस्पेंड किया गया। वो सस्पेंड करने के बाद उनको हिवाड़ी अधिवेशन से निलंबित करने का जो कारण किया है, ये मिंदे सरकार, भूखे वाली सरकार और बीजेपी सरकार, ये तीनों लोगों ने एक लोगों के मन में एक ऐसा दिया है कि एक अच्छे आदमी को जो 36 साल 37 साल जो महाराष्ट्र राज्य में विधान भवन में जीत गया के काम करते हैं, उनको निलंबन करने का काम किया है। इसके लिए लोग सकते क्या कहेंगे सरकार की कार्यशैली? ये सरकार की जो गरीबों के शेतकरी की एजुकेशन के लिए जो लड़ने वाले लोग हैं, जिनको सामान्य से सामान्य लोगों का काम करने के लिए विधान भवन में सवाल जवाब करते हैं, ऐसे हमारे विधान जयंत पाटिल साहब, उनको निलंबन करने का काम इसके लिए किया है कि मिंदे सरकार और बीजेपी सरकार उनकी ताकत नहीं है। उनको डर लगता है कि ये जो जयंत पाटिल साहब जो है हर मुद्दे पे उनको चर्चा करते हैं, लोगों को न्याय देने का काम कर रहे, शेतकरी को न्याय देने का काम कर रहे, बेरोजगारी को न्याय देने का काम कर रहे, गरीब से गरीब जनता को और झोपड़पट्टी सुधार को उनको न्याय देने का काम कर रहे हैं। ये सब न्याय उनको सवाल के जवाब उनके पास नहीं है, इसके लिए साहब को उन्होंने सस्पेंड करने का काम। इस तरह के प्रदर्शन से क्या संदेश देना चाहते हैं आप? तो संदेश यही देना चाहते हैं कि गोर गरीब जनता जो ये सरकार पे भरोसा कर रही थी, लेकिन वो उनके न्याय, शेतकरी का हक, विद्यार्थियों का हक, बेरोजगारी का हक, ये सब जो उनकी मांग है इसको बंद करने का काम बीजेपी और मिंदे सरकार कर रही है, यही हम लोग संदेश देना चाहते हैं। पुलिस ने माजी आमदार मिलिंद अन्ना कामले को हिरासत में लेकर अपनी गाड़ी में बैठाकर कुर्ला पुलिस स्टेशन ले गए। यही नहीं, इसके अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कई प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर पुलिस की गाड़ी से पुलिस स्टेशन ले गए, जिन्हें बाद में कानूनी प्रक्रिया के बाद रिहा कर दिया गया। जय हो, जय पाटिल सावंत, जय हो, जय
आपको हिरासत में लिया गया है, आपको जो सस्पेंड किया है उसके लिए आंदोलन चालू है, उसके लिए हम लोग को पुलिस स्टेशन लिखी है। अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबरों नए सफर के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश विनती, यदि आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर हमसे संपर्क भी कर सकते।